क्या जैसे कहते हो कि नहीं मैं नहीं बाहर गए इज नॉट इन दिल्ली कौन है हाँ हाँ शायद चला है कल फोन करना ठीक ठीक किसका फोन था काका साहब ना हमने पूछा ना उसने बताया होगा कोई करता रहेगा कल फोन मुझे मुआवजे की सूची रखनी पड़ती है अब तक 3 फोन तो हम ही ले चुके हैं इनको के नाम याद रखूंगी अरे काम का फोन होता है तो आदमी नाम बताता है नाम नहीं बताता तो हम लोग घर तुम्हें घुमा ये वो आपका कानून पर उनका कानून एकदम अलग है कह दे कि नाम नहीं बताया तो कड़ा पूछेंगे तुमने क्यों नहीं पूछा बहुत निकलते हैं काका साहब वहां आग लगने की थी
कभी चिट्ठी पत्रिका कागज रोड मचा रहता है, ये झूठ वो गलत सब मन गलत किस्सा वगैरह वगैरह, ये तो सब होगा ही। अरे जांच पड़ताल की फुर्सत है किसे, क्योंकि अटकेत और टपके भाग दौड़ मारता चल रेस लगी पके जाते। अरे जब जिसे जैसी गलत हो चलते चले जाते हैं। और बैग में चार दिनों की धुलाई पड़ी है, कितने दे दे।
देते समय नाक बंद कर लेना, क्योंकि बेसाल गंदा रहोगे, वरना बाद में पिनपिनाओगे, इसलिए पहले वार्निंग दे रहा। अरे जैसी उस पर टोल नहीं लिखा है, वो हमने लिया। अच्छा किसका था? गुमनाम। क्या कह रहा था? घर से घसीट कर बाहर निकाल कर मारेंगे, राई के टुकड़े कर देंगे। अगर तुझे जिंदा छोड़ा तो असल बात की बुला कर देगा, इसे आखिरी नोटिस समझना, समझे? फोन किस लिए था? कोई डेट वगैरह बताई थी? यही कोई 23। ओ 23, मैं जानता था। तुम्हें डर नहीं लगता? डर? डर किस बात का काका साहब? लोग तुम्हें धमकियां देते हैं। तुम्हें हंसी आती है? जैसे कि इस बुगाते में मत रहिएगा कि लोग धमकी देने के बाद चुप हो जाते हैं। अरे एक आध सिलपरा कहीं मिल जाना। ओहो तीस टेलीफोन्स, सॉरी। ओहो टी वंडरफुल, रखो मैं भी आता हूँ। या लाओ दो, इतने दिनों से अच्छी चाय भी नहीं मिली है। ये फोन भी खाना खाओगे? देखो इसे तुम अपना घर ही समझना,
या तो मैं जरा बेटा हाँ कि है ऐसे ही उसे एक जगह पहुंचाना है। यदि पूछे कि जगह कहाँ गए हुए थे अतराज तो ना होगा। क्या ये मध्य प्रदेश की तरफ? मध्य प्रदेश जैसे सुना है भोपाल राज्य मध्य प्रदेश ना लो काका साहब चिपचिपा रहा पसीने की पटना चढ़े हुए बदल अभी आगे लो सरिता सरिता जी आई चलो हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। जानती है हमें कहाँ मिली कहाँ मिली कहाँ मिली होगी
मुझे क्या पता कहाँ मिली? That's it. ओफो, बताइए ना कहाँ मिली? अपने पास ना की रखोगे, किसी को पता नहीं चल सकेगा, किसी को नहीं। जी। मैंने इसे मध्य प्रदेश के लोहारपुरा की हाट में से खरीदा। क्या? खरीदा? Yes. 2,500 रुपए। एक बैल की खातिर इससे भी ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ता है। चंबल के उस तरफ लोहारपुरा में इंसानों की हाट लगती है, इंसानों की हाट। छोटी बड़ी उम्र की औरतों की मां खुलेआम नीलामी बोली बोली जाती है। लोग दूर दूर से बोली बोलने आते हैं। औरतों का नीलाम? औरतों का नीलाम। विश्वास नहीं होता ना। बोली बोलने वाला ग्राहक औरत को टटोल मसल कर अंदाज का है। कसवा है या तो जवान है या फिर अच्छी भरी है या रुकी है। छातियां मजबूत है, कमर में कस है, जांघों में बस बस करिए। तुम्हें तकलीफ होती है ना, मगर इस कमरा के लिए ग्राहक की मेहनत मुंडी नीचे करके कोने में बैठी हुई। मैंने कहा चलो हम इसे खरीदेंगे। आई बॉट हर टर्ड चीप। लेकिन अपन गए क्यों? साबित करना इस किस्म की हाट इस देश में आज भी लगती। तुम जैसे कईयों को यह पता भी नहीं कि ऐसा भी होता है। पुलिस वालों को यह सत्य मालूम है मगर मंजूर करने को तैयार। वो कहते हैं ये पत्रकार सनसनी पैदा करने के खातिर फूट पठान बता करते हैं। और सरकार सरकार हमारी क्या कहे, वो एकदम पर वो कहती है शांतम पा। इन पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई। फिर भी फोरम को खरीद के लिए क्या ना सबूत पेश नहीं करता मैं। जान हथेली पर रखकर मैंने मांस की हाट तोड़ निकाली। जानती हूँ वहां पहुंचने वाला पहला पत्रकार मैं था। और आज मैं सबूत के दिखा दूंगा इस बात के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। हम पकड़ाए गए हैं बास्टर्ड्स। सुनो जी, फिलहाल इसे टॉक्सी के मान के किसी को पता ना चल पाए, किसी को जी कमला भाई काका साहब और खुद कमला तक को ये पता ना चल सके। चैन मेरा जिगरी दोस्त है लेकिन मैंने उससे भी पूछी ना रखी। अरे ये है तो मुश्किल लेकिन मैंने फिर भी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। आप लॉकडाउन से कीप योर माउथ शट फॉर सम टाइम विल यू? जी मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम जानबूझ कर दिखा। शाम को मेरे पेपर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई गई। वहां एक मरतबा सब कुछ चुका देने के बाद कोई सवाल ही रह जाएगा, फिर तुम कुछ भी कहते। मान लीजिए ये सब कुछ पहले किसी को पता चल जाए तो सब चौपट हो जाएगा। अरे सारा काम फिक्स हो जाएगा। मैंने बहुत सावधानी से पकाया ये मामला और मेरे संपादक मेरे मालिक तक को इसके बारे में आहट नहीं। सरकार इन बातों का एक टेक्निक होता है, उसे उसी तरह साधा। ऐसा लोहारपुरा की फ्लैश मार्केट में ऐसा है। शहरों की औरतों की बिक्री तो देश में ऐसे कई जगह होती है। शहरों में वैश्यों के अड्डे क्या ऐसे ही गुजार देते? सवाल बोल सवाल यह है कि हम लोहारपुरा को कैसे प्रोजेक्ट करें? आर्ट लाइज इन प्रेजेंटिंग द केस, नॉट इन द केस इटसेल्फ। तुम देखना हम ये किस्सा कैसे ठोल पीट पीट के सुनाते हैं। देयर विल बी हाई ड्रामा इन टुडेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवा
अरे देवा, अबे कहाँ तूने पहले बता दिया भैया? ये कौन सा नया लफड़ा है बे? क्या वो राष्ट्रपति जी वगैरह का आगमन होने वाला है? हाँ, दर बच्चे भी चाहिए साली। वो तो लगा कि तुम्हारी वो कमला भाई हमारी नंगा जोली लेती है क्या? कुछ नहीं यार, फालतू में चले आते लोग। इसलिए कमला भाई से कह दिया था कि बिना ऐसा तक किसी को अंदर बता दे। आई सी। अच्छा ट्रिप कैसे रही? बोलो ट्रिप ठीक ही रही। और तुम कैसा चला? सोचा सफर करके आ रहा मेरे यार, तो खाली पॉकेट तो आया नहीं। कहा लाए हो? यही देखने चले यार। लाना क्या यार, कुछ नहीं। लाए भी होगे तो हमें पर बताने वाले हैं तुम। असल में पीटीआई के ईयर में अलग ही लगाते चले गए थे, सोचा तुमको भी दर्शन करने चले। तुम तो हो गए नहीं सो अभी जी के चरण छूने चले। हाउ इज सी? शी इज ऑल राइट। और क्या खबर है? अय्यर के राधा ये जैसी का रांची के वो भी चक्कर काट रहा। समथिंग फिशी। अपने वाले काम करने में आप किसी को फिशी फिशी नजर आता है? आदत का शिकार है उनका। अच्छा अय्यर के घर पे टैक्स का पता ना आया हुआ था, वो साहब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा था। क्या कह रहा था? निपट केस पर क्या ये रहा था, तुम्हारे एडिटर पे वो कंटेंप्ट का केस चालू हो गया। इसके बारे में कुछ नहीं था। ओह आई सी। फिर अय्यर बोला देयर मस्ट बी समथिंग मोर टू इट, जैसे तुम्हारे बॉस कर रहे हैं होटल प्रोजेक्ट का होएगा। अबे साले हो हम बोले, असल बात तो अपन ही जानते। क्या जानते हो? लक्ष्मी भी नहीं अपन तो जरा स्कूल डेला करने को उगली घुमाई थी बस। अरे चैन यार कहाँ चले? क्यों नहीं ये तो मुझे यार वो ईयर के बियर का बहुत पाया था, बहुत बियर का भुगतान तो तुम जानते ही हो, ज्यादा देर रो नहीं सकते ना समझे। अरे रुको यार उधर कहाँ जा रहे हो? उधर का टॉयलेट काम नहीं देगा, तुम एक काम करो या सुन का टॉयलेट से बिलेडरी अपना का टॉयलेट होने से मतलब चैन साहब आए ना? हाँ उसे लंच में मत बोलो, तो जा रहा है उसे जाना। हाँ वो कहाँ है? वो जब तक यहाँ पर है वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। शी मस्ट स्टे इनसाइड। हाय भाभी जी, इसके लिए अमेरिकी हाय, आपके लिए हिंदुस्तानी। देश भर के शोषण के खिलाफ संघर्ष करने वाला ये जेसी आपका शोषण करता है। एक ही साथ घुड़सवारी और तीरंदाजी करने वाली मराठा सरदार के कन्या को इस जालिम ने घूंघटे वाली घरेलू औरत बना दिया। हाय हाय सेम ऑन यू। ये स्कूप तो अपन उछाल कर ही रहेगा किस दिन। हाँ हीरो ऑफ एंटी एक्सप्लॉयटेशन कैंपेन बैक्स आ बॉन्डेड लेबर ऑफ फेस बाय ओ गॉड इट्स ऑलरेडी टू लेट। चल बाय बाय लवली बॉन्डेड लेबर। ओए सी यू इन द इवनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे भैया तो खाती जाते आर यू फूल? आई एम सॉरी। हां वो क्या कर रही कमला? हाँ जी कमला भाई के कमरे में ठहराया है, नहलाने का इंतजाम कर रहा था। अभी रात को या सुबह नहाएगी? रोज रोज कहा रहता है नहाते हैं ये लोग, अकाल वाला इलाका है पानी का रखा बेटा। नहाने के बाद वो शायद कमला महसूस करे। सुनो उससे पूछे बगैर उसके बारे में कुछ मत करना प्लीज फॉर गॉड्स सेक। जी नहीं करूँ। सरिता जी देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे हैं। खाना तैयार है लगाऊं? ओह यस। काका साहब को बुलाइए। सुनो जी मैंने उन्हें कहा है कि उसे एक जगह पहुंचाना है, तुम भी उनसे यही कहो। मैं कमला की बात कह रहा हूँ। जी समझ गया। काका साहब काका साहब आइए भोजन तैयार है। हाँ जी बोलिए। हाँ वो क्या कर रही है?
जी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। उठाओ उसे। जी अभी अभी सोई है। तो क्या हुआ, उठाओ यहाँ पे, मुझे उससे कुछ बात करनी है। जी यदि थोड़ी देर से। मैंने क्या कहा सुन लेती हो ना। बिल्कुल मत देना, बिल्कुल मत देना, मुझसे पूछे बगैर
उसके बारे में कुछ मत करना। टेल मी, मैं कुछ नहीं तो यहाँ आई हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, वो जो पहने हैं वो ही पहन के जाना था उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसकी साड़ी फट रही है, औरत है। आई नो मुझे बताने की गरज है, अंडरस्टैंड? मैं सच बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो वैसे ही दिखाई दे जैसी की है। क्या ये सही बात है? जी सरिता जी, देखो देखो, मैं आपको कुछ ज्यादा ही कह सकता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार मैं जाऊं। हाँ सुनो जी, चाय बना फसलास, वो अदरक वगैरह ला के बनाती हो ना भाई? ठीक है। हाँ भाई, कहाँ तक आप होती तुम्हारी साजिश? साजिश? हाँ तुम्हारे व्यक्त व्यवसाय की साजिश। जारी है काका साहब, जारी है। देखो जैसी, यदि हमारी वजह से कुछ परेशानी हो तो बता देना, संकोच मत कर। जी बता दूंगा। अभी हम तुम्हारे पेपर के पुराने अंक देख रहे थे, एक ख्याल आया मन में, कहो तो बताए। जी बताइए। मान लो हम अपना लंगोटी बीमा अखबार यदि तुम्हारे तरीके से चलाने का इरादा रखे तो? हाँ, और हमारे तरीके से काका साहब क्या होगा आपकी साधनों की पवित्रता का? अरे उसे तो दब के दफना चुके। हाँ क्या दिया उसने हमें 30-35 सालों में? हाँ तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि हम उस दिन तुम्हारे जैसे चलता फूलता किस्म के तो जवान छोटों पर काम करते हैं। हाँ तुम्हारे जैसे तेज तर्रार तो न होंगे पर हमारे इलाके में चल जाए रोशनी टैक्निक जासूसी वगैरह उपायों की मदद से वे इलाके के कोने कोने से रोज नित्य लिया मसाला लाया करेंगे। हम उसमें मिर्च मसाला डालकर चाहते रोज नहीं संतरी नया उसको हाथ से भर जाते खुलासा खुलासे पर खुलासा इनका उनका बढ़ता हुआ फैल विज्ञापनों की बात और नोटों के बंडल हाथ में लिए दरवाजे पर खड़े दलदल में फंसे लाखों के अंदर। मेरे ख्याल से इन 4-5 वर्षों में हमारी पोटी तो बनी रहेगी है ना? तो ठीक है, खाते ये सब आपके कहने का मतलब यही है ना कि पेट की खातिर जर्नलिज्म का यह नया तरीका जो हम लोगों ने अपना ऐसा तरीका जो अगर चल जाए तो धड़ल्ले से चल गए। मसलन जोखिम जरूर है पर आय भी उतनी ही तकड़ी। मसलन आज से 5 बरस पहले करोल बाग के आउट हाउस में गृहस्थी सजाने वाली एक ऐसी जादव आज उनकी बात जोखी के मालिक है, नौकर चाकर है, मोटर है, हवाई जहाज का सफर करते हैं, 5-स्टार होटल में रैन बसेरा करते हैं। अरे चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सीधे आपका रुख को एमबीएसओ से जनाब को पार्टी के निमंत्रण आते हैं। क्या बुरा है? तात्पर्य ये कि ये खेल खेलने काबिल है, शर्त ये है कि उसी को खेलना चाहिए जिससे खेलते बने। खेल? ये खेल नहीं है काका साहब, जैसा आपने कहा उन बातों को हासिल करने के लिए मैं खेलता भी नहीं हूं। तो बताओ तुम जो जान हथेली पर रखकर घूमते रहते हो इसका क्या मकसद है? उसकी पहले कमिटमेंट सोशल पर्पस, आप माने ना माने जो मैं कर रहा हूं हम कर रहे हैं आज करज है उसे कोई करे, आज जरूरत है सबकी जो देश के टोटल रॉक में खड़े होकर भी मॉरल प्रिंसिपल्स मॉरल वैल्यूज और मॉरल नॉर्म्स को अपहोल्ड करे। देश का पावर मैन एक किस्म के नशे में जी रहा है, सिर्फ बार बार धक्का देकर जगाने असली रियलिटी समझाने एक सोशल और पॉलिटिकल चेंज के स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर करने वाली ताकत की जरूरत है। और यही तुम कर रहे हो, यानी तुम जो कर रहे हो? यस हम ही कर रहे हैं। अंग्रेजी में? ये क्या कहा? मैंने कहा तुम ये काम अंग्रेजी में कर रहे हो। सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? कोई आपत्ति है? आपत्ति? आपत्ति किस बात की? लेकिन जो अंग्रेजी जानने का सौभाग्य रखते हैं देश के उन्हीं गिने चुने लोगों की खातिर हो पाए होगा, और यही सौभाग्यशाली लोग देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करेंगे। बकिया सब बेचारे अपने नशे में किया करेंगे क्योंकि ये अंग्रेजी जानते नहीं, इसलिए आप मालिका पढ़ नहीं सकते। आका साहब साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम्हारे इस नए का उद्देश्य उनका कमाना नहीं
भाषा में लिखो, बोलो फिर चाहे उसे बेटा। ओहो, इन मैच शुरू हो गई। जी जी जी, अरे हम बाबा क्या बहस करें, यही आप सुबह से अफसर नजर आ रहे हैं। आइए काका साहब, पहले चाय पीजिए। इनके मालिकों को विज्ञापन
और पेपर की पंक्ति सैर से बन गई। एक दौर हमारा भी था, स्वतंत्र पत्रकार का दौर थी। आज के दौर के लोग तो सब भूल चुके, पूरा का पूरा पेपर खराब हुआ। सरता, सरता। हाँ जी बोलिए। हाँ वो, भेजो सर। कमला वाली, जी मैं सर। जरा भेज दो उसे। जी। जरा बता। उस
कौन सा? वही अबाउट द पावर डिलेड एंड बिलो द पावर डिलेड। अरे सारा जैसे दिल्ली स्कूलों में कदम बीच में पढ़ के आ रही हो, श्रीमती कमला देवी इनके पैर कॉन्फ्रेंस में देखा है इसमें से। आई मस्ट से दैट्स अ गुड वन। अरे भाभी जी बैठो बैठो तो सही, असल बात तो आगे आएगी। हम में से कुछ घोगा पसंद है तो कुछ सुकरात के संधि है, मानो जैसे सावले कड़ा हुआ आदमी के बाप लगते हैं। एक सवाल आया, सुना है आप लोगों में फ्री सेक्स चलता है, तो बताओ नाजाय दौरान का क्या करते हो? अरे उनके हिसाब से सारी दुनिया के आदिवासी 24 घंटे सेक्स में डूबे रहते हैं। हां सर, तो तुझे के भी कुछ नहीं उठी? पूछने लगा आपने भी तो फ्री सेक्स किया होगा, तो अभी तक कितने मर्दों के साथ सेक्स का अनुभव करा? शर्म नहीं आती ऐसे सवाल पूछते हैं? अरे जरा वो सभी तो आए। अरे सरिता तुम आगे भी तो सुनो। हमारा चांद बागवानी उठकर खड़ा हो गया जवान लगा टाड़ी के पूछने, बड़ी कमला इसने मारे जैसे यादव ने तुम्हें कहा खरीदारी? डरना नहीं सच सच बताना, बाजार में खरीदा के घर पे आया था? झूलेलाल की कसम आगे बोलना नहीं यार, ये चांद बागवानी है तो पत्रकार मतलब सारा पूछता कोसी गुड़ रही था। अरे अलैंडी है वो थर्ड क्लास आदमी, करतार ने हमेशा की तरह अपनी तरफ से जो बातें की कोशिश करी। उसका सवाल यार, उसका सवाल क्या था? हाँ वो है मालिक के संग। हाँ याद आया याद आया, तुमने भी तो इस नए मालिक के संग थोड़ा बहुत फ्री सेक्स तो किया ही होगा, तो उसके बारे में हमें कुछ बता बताओ। कुल मिला के वो अनुभव कैसा रहा? तो ऐसी होगी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड काका साहब, अगर प्रसंग मिलो तो हमारे पत्रकार अपर दर्जे के नुकेले सवाल भी करते हैं। कई बार तो धाकड़ किस्म के राजनीतिज्ञों का उलिया टाइप कर देते हैं। ऑफ कोर्स, मगर ओकेजन सीरियस होना चाहिए। आज का प्रसंग मजाक क्या था? नॉट दैट। पहला धक्का बचाने के बाद लोग जरा रिलैक्स हो जा रहे, बस जब देखा कि रोजाना वाला पॉलिटिकल मामला नहीं है तो जरा मौज में आ गए। मौज में कुछ गरीब नहीं कैसा? वो कहाँ समझ पा रही थी कि क्या चल रहा है? कैसे? अरे मैं उसके करीब बैठा हुआ था ना, एक दो बात प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। लोग हंस रहे वो भी हंसने लगे, अरे वो समझ ही कहा पा रही थी कि क्या चल रहा है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो समझ पाए। मैं उसे एविडेंस एक सबूत के तौर पर पेश करना चाहता था, काम पूरा हो गया। हम बेकार में सेंटीमेंटल बन रहे हैं, जंगल वासी लोग हैं, मजबूत होते हैं, दे कैन टेक मैनेजमेंट। आपको बताऊं काका साहब, एक बार इन आदिवासियों पर रीछ ने हमला कर दिया, चाटी निकल आई है, मांस लटका है, लेकिन जंगल में अपने पैरों से चलकर मिशन हॉस्पिटल तक आया। जंगल में मिशनरी डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के इनको ऑपरेशन करते हैं और अब तक नहीं निकलती इनके मुंह से। पहला से सहनशील होते हैं ये, क्या इसलिए हमने सताते चले जाए? मैंने ये तो नहीं कहा। लोग उठपटांग सवाल किया करें, उसकी हंसी उड़ाते रहे और आप लोग वहाँ बैठ के तमाशा देखा किए। ए यार तुम लोग और मैं गलत मेजर कर लिया। जैन तूने हमेशा की तरह तस्वीर गलत पेंट की। सुनो सर कुछ सीधे और सही सवाल। बिल्कुल जरूर पूछे मेरे। उसकी जो हंसी उड़ाई थी वो तो उससे भूल नहीं जाती। काका साहब हर हस्ती की जो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतरती है थोड़ी बहुत हंसी तो होती है। इट्स ऑल इन द गेम। ये फ्लाइट डियर जिसे अपनी हसीला बढ़ानी हो उसे दिल्ली का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी ही चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने नहीं बुलाई थी। सी हैज अ पॉइंट डियर। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बुलाई थी, बल्कि इसलिए बुलाई थी कि इंसानों के बाजार का महाभयानक सत्य रोशनी में आए। और इसलिए तुमने औरत को बचा।
कीजिए। भाभी जी आजकल ये ड्रिंक जल्दी बात है। भैया बोला जैसे मैं माफी मांगू। आई एम सॉरी, मेरा भी बैलेंस बिगड़ गया। आपने खाना खाया जी? मैंने खिला दिया था, आपके आने तक रुकने का बोल रहे थे। गुड नाइट जैसे, गुड नाइट बोलता हूँ। आपका सॉन्ग गुड नाइट। बस कीजिए, बहुत मिली। चलिए चल के खाना खा लीजिए। आई एम सॉरी, आज बहुत दिनों के टेंशन के बाद एकदम रिलीफ। तो क्या आपके कुछ को किस तरह से बेइज्जती करता है? मैं कह दिया ना सॉरी, उनसे कहा तुमसे भी कहता हूँ। चलिए खाना खा लीजिए। भूख नहीं, ड्रिंक्स के बाद खाना अच्छा होता है। चलिए ना। आज नहीं, पहले ऊपर जाओ। नहीं, अरे मैं बाद में खाऊंगा, हम दोनों एक साथ। मेरा काम बड़ा, छोड़िए। अब बड़ा रहने दो, पहले ऊपर। नहीं छोड़िए। ये क्या मुंह क्या बना रही हो तुम? धक्का क्या दिया तुमने मेरे को? पहले तो कभी नहीं किया तुमने ऐसा। दबाओ तो पति हूं तुम्हारा। यू मस्ट हैव मी, आई मस्ट नो, डोंट आई हैव द राइट टू हैव माय वाइफ व्हेन आई फील लाइक इट? डोंट आई? अरे ये भी मेरी भूख है, खाने को मांगता हूं तो कुछ गलत है? जवाब दो सरिता, जवाब दो सरिता, सरिता।
फोटो मैंने दिखाई पड़ती है, उन्हें दर्शक कितने खरीदा होगा।
ये अखबार के राय कहीं जा और इसमें लिखे हैं 3,500 खाए जा बात में भी हरेक की टुकड़ी अलग पकड़ रही सच्चाई भी सबकी अलग हर एक का एक्सक्लूसिव सब हमारा पेपर पढ़िए इसमें जो लिखा है वो एक्यूरेट रात को तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जो बताया था उस हिसाब से लोगों ने काफी गंभीरता दिखाई दी और हाँ समझ गया जिम्मेदारी जनरली दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल जितने फेवरेट दिखाई पड़ते हैं उन्हें होते नहीं हेलो जी थैंक यू So nice of you. Bye. Hello. Thank you. Yeah. किसी ना किसी को तो लिखना ही चाहिए था जी Thanks again. Bye. Oh damn. Hello. हाँ राम भाव बड़ा बहुत भयानक है जी हाँ जी जी अरे यार भाषणबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती हाँ प्रश्नोत्तरी हो तो चला जी मिली थैंक यू बाय जी मैं पहुंच लूँ अरे चाय तो पी लो क्या ऊपर हो नहीं चाय ऊपर मिल जाते डॉक्टर साहब चाय कमला भाई जी मास्टर देखो ये चाय ऊपर साहब को दिया हाँ और हाँ मेज पर मैंने दो साड़ी निकाल के रखी उसे ले दिया जी जाना चाहते हैं जैसे से कहते ना कि वो फोन करते हो सेक्रेटरी को वही हमारे कागज के पोते के सिलसिले में वैसे बहुत जल्दी भी नहीं है कहाँ का महिला नाथ आश्रम है
अमला को वहीं रखने का इंतजाम किया है। हेलो, यस, अमला भाई, अमला भाई। जी सर। कितनी देर दबा रही हो गए कि नहीं तैयार? जल्दी भेजो। चलो।
कोई खेल में कमला, महज एक औरत। मैं इसको नहीं दिखा कसा, मैं भी केवल कमला ही नहीं, मैं भी। मैं फेस कॉन्फ्रेंस करूंगी।
मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा व्यक्ति पेश करूंगी जो 21वीं सदी में भी दिल्ली शहर में गुलाम पाले थे। वो व्यक्ति है जयसिंह जाधव। मैं कि अपने को स्वतंत्रता का जबरदस्त हिमायती कहता है, फिर भी गुलाम रखकर उसका इस्तेमाल करता है। उसे मंजूर नहीं कि गुलाम भी इंसान होता है, वो उसे इस्तेमाल की चीज समझता है और इस्तेमाल करने के बाद लापरवाही से अपने से अलग कर देता है। मैं खुद को जुल्म और जबरदस्ती का कट्टर दुश्मन कहता है और अपने अधिकार में रखे गुलाम पर जुल्म करता है और उसे उसका जरा भी ख्याल नहीं रहता। जरा सुनिए, सुनिए काजी उसके इस्तेमाल की जो कमला नामक एक गुलाम को खरीद कर उसने किया। दूसरा गुलाम तो उसको ऐसे मुफ्त में हासिल हो गया। गुलाम के पिता ने ही मुझे रकम देनी थी। सुनिए, सुनिए उसने इस गुलाम पर क्या छोड़ डाला। सॉरी कभी सर, अभी आपने कुछ सुना ही नहीं, बहुत कुछ बाकी है। देखा तो क्या करेगा कि जैसे जैसे मिलन कोई क्यों, मैं ही समझती आपकी रसम क्या बोल रहा तुम के बीच की रस्ती रस्ती वो तो पिछले 10 सालों से अच्छी चली रही, फिर आज ही कैसे आया तुम्हारे घर? पहले नहीं आई क्योंकि मैं दिन में काफी जब भी नहीं थी तो भी नशे में थी। कमला ने मुझे जगा दी, जब चोर के जगा दिया। कमला ने मुझे दिखा दिया कि जिसे मैं अपना साथी मानती हूँ वो मेरा साथी नहीं है, गुलामों का मालिक है, मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ, एक गुलाम हूँ, उसकी निगाह में मैं कमला ही हूँ। यही ना बाबा साहब, गुलाम से तो इसलिए होता कि घटता रहे, मालिक के इशारों पे नाचता रहे। वो कहे रो तो रोना होगा, वो कहे हंसो तो हंसना होगा, वो कहे फोन लो तो लेना होगा, वो कहे पार्टी में चलो मेरे साथ तो चलना पड़ेगा, वो कहे बिस्तर पे मेरे साथ सो तो अब वो कभी सुधरने वाला नहीं था साहब। अब मुझे कभी नहीं लगने वाला कि इस घर में भी मेरा अधिकार है। जैसे ये आम गुरु जैसा पुरुष, हर एक पुरुष को अपने कर्तृत्व का अहंकार होता है, ये उसकी प्रवृत्ति है, चाहे वो कर्तृत्व चाहे कितना ही कुछ क्यों ना हो। इस हिसाब से अगर पिता का तो जैसे एक पराक्रमी पुरुष जिसने अपने क्षेत्र में नाम मारी हासिल की और हासिल की है अपने साहस के बल पर, इसलिए उसे गुलाम बनने का अधिकार है। क्यों कहते आप क्यों सरिता? आदमी अगर बड़ा होता तो बड़ा आदमी क्यों नहीं होता, मालिक ही क्यों बन जाता? सरिता तुम्हारे सवालों का जवाब एक ही है कि वो पुरुष और पुरुष ऐसा ही है और इसलिए दुनिया में पुरुषार्थ नामक कोई चीज है। बेटे आज जो हम हैं उसे धोखा न खाना, हमारी बाकी को हमने ठीक कर सकता है, अपना विशेषाधिकार मान कर सकता है। जरा भी नहीं सोचा था कि बेचारी की क्या हालत होती है। तुम भी अपने मालिक के पीछे इसी तरह चलती चलो, इसी तरह घसकती चलो। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है।
की गाड़ी को चलना होता है, और अगर चलना है तो ये सब ऐसे ही जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा काका साहब? क्यों क्यों नहीं पुरुष में की सत्ता चले, क्यों नहीं नारी एक बार भी मालिक बने, क्यों नहीं वो इंसानों की तरह जीने की मांग कर, क्यों सिर्फ पुरुष को ही गुस्सा निकालने का अधिकार मिले? क्या सिर्फ इसलिए कि वो लिख पाए में नारी में पुरुषार्थ दिखा सकती है? उसे पुरुषार्थ नहीं कहती, पुरुषार्थ वही ना जो पुरुष दिखाता है, फिर चाहे बर्तन मले औरों के घर तो भी पुरुषार्थ ही दिखाएगा, यही ना? तो ऐसा ही तुमसे बदलना होगा, बदलना होगा काका साहब। जो पुरुषार्थ दिखाए वो पुरुष, फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। हो सकता आप तो बहुत नाराज दिखाई पड़ती हो। देखो बेटा, एक उम्र वो भी होती है जब इंसान को विकास से नहीं विचार से काम लेना चाहिए, समझ कर जीना चाहिए। नारी को ही क्यों? नहीं, तुम गलत कहती हो। क्या पुरुष भी पूरी तरह से गुस्सा नहीं करता? उसे भी सब सहना पड़ता है चुपचाप। तुम कटने पर यही कहना पड़ता है कि तुम कटे चुस्त दुरुस्त होते हो, फिर तुम कटने वाला चाहे पुरुष हो चाहे नारी। आप मुख्य काका साहब, मैं देखती हूं। जैन साहब आप अभी रात गए? अभी जी अर्जेंट है, केस में हुआ है कुछ। भाभी जी कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया, जय सिंह से फौरन मिलना पड़ेगा। क्यों? मुझे पता चलते ही थोड़ा थोड़ा आया। क्या हुआ? उसको नौकरी से हटा दिया जॉब से। क्या क्या कहा? नौकरी से अलग कर दिया जय सिंह को उसके मालिक ने। यह करे बिना इतने दिए हुए? आज शाम को फैसला किया है, कल सुबह लेटर पकड़ा देंगे। मुझे खबर जैसे ही मांगा, रस्ते में प्रेस क्लब में देखा, सोचा शायद ना हो तो वहां पहले खबर पहुंच चुकी थी। बहस हो रही थी गर्मा गर्म। अभी मुझे क्या है नौकरी से निकालने? मालिक पे बहुत ही दबाव डाला है, पता ये चला है कि उस पुलिस मार्केट में चोटी के लोगों का हाथ है। अरे इतना बढ़िया काम करने वाला आदमी हो, मालिक के पेपर की प्रतिष्ठा बनी हुई है जैसी की वजह से। बड़े पेपर की प्रतिष्ठा आर्टिस्ट नहीं होती काका साहब, उसका होता है सिर्फ सेल, और होता है एडवर्टाइजमेंट, और होता है नफा या टोटा। हाँ भाभी जी पार्टी का चल रही है, हाँ फोन है, वो तो जैसे को है बुला लीजिए, और जमाना पड़ेगा प्लान ऑफ एक्शन। हेलो जी, जी नमस्कार जी, मैं मिसेस जय सिंह जादव बोल रही हूँ जी। जी जादव साहब हैं जी? जी प्लीज़ सर उन्हें बुला दीजिए ना। हेलो जी, जी मैं हूँ। उसको बोलो यार। जी
आपकी नौकरी के बारे में है। नौकरी के बारे में? जी। मेरी नौकरी के बारे में? जी, आपके मालिक ने आपसे खुश होकर आपको नौकरी से निकाल देने का निर्णय किया। है तो जो की, लेकिन आपके मालिक ने इसे सीरियस साबित करना तय किया है, ऐसा जैसा आप कहते हैं। मुझे अभी पता चला, थोड़ा थोड़ा प्रेस क्लब गया था तो खबर मुझसे पहले वहां पहुंच चुकी थी। वैसे अभी कॉन्फिडेंशियल है। आज कह रहे हो या कह रहे मजाक है? आज शाम को हाई लेवल मीटिंग हुई थी एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन तुम्हारा एडिटर भी हाजिर था, और कौन कौन था इसका भी पता नहीं चल पाया, लेकिन कल सुबह तुम्हें लेटर देना तय हुआ है, प्राप्त भी हो चुका है। It just cannot be. यार हमें काटो ना कैसे लोग, नाम नहीं बताएंगे, मगर इतना समय लेंगे न्यूज 100% लाइव मिले। Let me ask my editor. या उसने तुमसे कहा है? वो दिल्ली में नहीं है, हमारे घर से मुंबई है। No, no. जी आइए ना, बैठिए, हम बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। अरे आओ जैसे बैठ के बात करते हैं। कम रादर इंटरेस्टिंग एंड समथिंग चुकाऊंगी, हर कीमत चुकाऊंगी।
मैं इंतजार करूंगी, वो दिन भी आएगा जब मेरा गुलाम बने रहना जारी नहीं रहेगा।